ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 508 के मिड टर्म के कुछ सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है ब्रीफली एक्सप्लेन प्री सपोजिशन ट्रिगर। सो प्री सपोजिशन ट्रिगर को ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर ब्रीफली की स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक हुई हुई है तो उसके लिए सॉरी। सो प्री सपोजिशन ट्रिगर, सो ये जो है टाइप्स हैं प्री सपोजिशन की जिनको प्रोड्यूस किया पार्टिकुलर वर्ड से या फिर कंस्ट्रक्शन से, और ये कुछ ट्रिगर्स ड्राइव होते हैं सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर से, और बहुत से प्री सपोजिशंस को प्रोड्यूस किया जाता है प्रेजेंस से सर्टेन वर्ड्स की, मोस्टली वर्ब्स। और फॉर एग्जाम्पल के जो क्लास है वर्ब्स की, जैसे कि रिग्रेट और रियलाइज कहलाते हैं फैक्टिव वर्ब्स, क्योंकि ये प्रीसपोज करते हैं जो त्रत है उनके कॉम्प्लीमेंट क्लोज का। उसके बाद ये कि लेक्सिकल रिलेशंस क्या है। सो जो ब्रांच है सेमेंटिक्स की जो कि डील करती है वर्ड मीनिंग के साथ कहलाती है लेक्सिकल सेमेंटिक्स, और लेक्सिकल रिलेशंस जो है वो रिलेशनशिप होते हैं मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स के दूसरे वर्ड्स के लिए, और लेक्सिकल रिलेशंस सेंट्रल होते हैं उस वे के लिए स्पीकर्स और हेयरर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट मीनिंग करते हैं कंस्ट्रक्ट, और लेक्सिकल रिलेशन जो है वो यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए कोई भी पैराडिग्मेटिक रिलेशन जो है वर्ड्स के दरमियान। उसके बाद ये कि राइट ब्रीफली अबाउट कोलोकेशंस, कोलोकेशंस के बारे में ब्रीफली लिखे हैं। सो कोलोकेशन जो है आइथल एक हाईली फ्लुएंट को अकरेंस है दो या ज़्यादा वर्ड्स की, या फिर एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फुली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक नाउन फ्रेज। सो फिर्थ ने आर्ग्यू किया कि अब ये कोटेशन है कि यू शैल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इट गिव्स, आप जो है वो जानेंगे एक वर्ड को उसकी जो कंपनी वो रखता है उससे। सो कोलोकेशन जो है वो फैमिलियर ग्रुपिंग होती है वर्ड्स की, वर्ड्स की जो फैमिलियर ग्रुपिंग होना, स्पेशली वर्ड जो हैबिचुअली तौर पे एक साथ में अपेयर होते हैं और वो कन्वे करते हैं मीनिंग जो है एसोसिएशन के जरिए। सो कोलोकेशन को डिफाइन भी किया जाता है सीक्वेंस ऑफ सॉरी डिफाइन भी करता है एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या फिर जो टर्म्स जो कि को अकर होती हैं ज़्यादातर ऑफन इसके मुकाबले में कि एक्सपेक्ट किया जाए बाय चांस। फॉर एग्जाम्पल के स्ट्रॉन्ग टी जो है एक करेक्ट एक्सप्रेशन है और पावरफुल टी जो है कंसिडर किया जाता है एक रॉन्ग एक्सप्रेशन। उसके बाद ये कि व्हाट इज एविडेंशियलिटी, एविडेंशियलिटी क्या है और उसकी जो टाइप्स हैं। एविडेंशियली तो जो है वो एक सिमेंटिक कैटेगरी है जो रीडर स्पीकर को अलाउ करती है कि कम्युनिकेट करें वो उसका एटीट्यूड सोर्स तक उसकी इंफॉर्मेशन के, और फर्दर अलाउ करता है रीडर सॉरी स्पीकर को कि वो कहे कि क्या स्टेटमेंट रिलाई करता है फर्स्ट हैंड पर्सनल फर्स्ट हैंड नॉलेज पे या फिर एक्वायर किया गया दूसरी सोर्स से। और डिफरेंट टाइप्स है एविडेंशियलिटी की, विटनेस एविडेंशियलिटी जब एक इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो हासिल हुई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, फॉर एग्जाम्पल आई सा हिम ब्रेकिंग द विंडो, मैंने उसको देखा कि वो तोड़ रहा है विंडो, और ये जो है यूजुअली विजुअल इंफॉर्मेशन है। और सेंसरी एविडेंशियलिटी है इंडिकेट करता है स्पीकर का एविडेंस जो है कि त्रत जो है वो ड्राइव हुआ है स्पीकर के खुद सेंसरी एक्सपीरियंस से। और इन्फेरेंशियल एविडेंशियलिटी में क्या है, इंडिकेट करता है कि जो स्पीकर है वो करता है अपने बनाता है अपने स्टेटमेंट को जो डिडक्शन है उसकी बेस के ऊपर फैक्ट से, ना कि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसके खुद के एक्शन की। और रिपोर्टेटिव एविडेंशियलिटी है इंडिकेट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट हुई थी स्पीकर को दूसरे पर्सन से, और इस ये जो है वो कोर्ट हो सकते हैं र्यूमर्स या फिर कोई न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह भी। सो एक अज्यूम एविडेंशियल इंडिकेट करता है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो बेस नहीं करती सिर्फ गैस के ऊपर बल्कि वो बेस करती है जनरल नॉलेज या फिर जो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर। उसके बाद ये कि ब्रीफली एक्सप्लेन करें मॉडर्न प्रैग्मेटिक को, सो जो करंट स्टेट और जो रिसेंट हिस्ट्री है प्रैग्मेटिक की वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है कि डिस्क्राइब किया जाए उसको ब्रीफली तौर पे अगर हम डिस्क्राइब करें, और एक फ्यू एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पिक आउट किया जा सकता है। अर्ली जो है मॉडर्न पीरियड में डिसएग्रीमेंट जो है प्रिंसिपल्स के ऊपर जो कि गवर्न करते हैं कम्युनिकेशन, उससे क्या हुआ फ्रेगमेंटेशन हुई फील्ड की ग्रेशियंस के अंदर न्यू ग्रेशियंस और जो रिलीवेंस थ्योरिस्ट हैं। और इसके अलावा प्रैग्मेटिक थ्योरिस्ट ऐसे हैं
भी हैं जो प्राइमरीली वर्क करते हैं स्पीच एक्ट्स के ऊपर, और 1970s से बहुत से थ्योरिस्ट जो है इंटरेस्टेड हैं डेवलप करने में फॉर्मल अकाउंट्स फिनोमेना का, पार्टिकुलरली तौर पे स्केलर इम्प्लीकेचर जो है, प्रीसपोजिशन और कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। और ये जो है वर्क जो है वो जाना जाता है अब फॉर्मल प्रैग्मेटिक तौर पर, और उसका क्लोज लिंक है डायनामिक अप्रोच से सिमेंटिक के लिए, जैसे कि डिस्कोर्स रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।